तो इस वीडियो में बात करना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो सफाई कर्मचारी के लिए जो फॉर्म भरा गया था, तो यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया, ठीक है। एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर जारी किया गया, ठीक है, जो कि आपको इसको जो लास्ट डेट प्रिंट इसका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रखा गया था, ठीक है, 16 जनवरी तक रखा गया था। अप्लीकेशन एडिटिंग का डिटेल रखा है 16 जनवरी तक रखा गया था, ठीक है। इसका जो लास्ट डेट प्रिंटिंग अप्लीकेशन का 1 फरवरी तक रखा गया, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 20 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक रखा गया था। यहाँ पर देखेंगे तो एक नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। ये नोटिस आपको जो जारी किया गया है, ये जो भर्ती है आपका ये कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। ये जो भर्ती है आपका जो सफाई कर्मचारी के लिए, सब सफाई कर्मचारी या सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ के लिए जो निकाला गया था 24-25 के लिए, इसका जो है फाइनली आपका जैसा कि देख रहे हैं इसको नोटिस जारी किया गया है। तो है ना आपको जो है ना ये पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाला गया था यह भर्ती कैंसिल कर दिया गया, जैसा कि लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ 24-25, ठीक है, स्टैंड्स कैंसिलेड बाई पोर्ट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, औरंगाबाद इन द राइट पिटीशन नंबर इतना इतना की वजह से, है ना। और यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन, और यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है कि अप्लीकेशन फी पेड बाई द कैंडिडेट विल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स, है ना। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक, ठीक है। डेट यहाँ पर देखिए इस डेट में इस नोटिस जारी किया गया है 25 जनवरी को ही, ठीक है। तो अब हम दी तो आप लोग जितना भी कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, ठीक है, तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे, इसका जो है फाइनली आपका जैसा कि देख रहे हैं इसका जो है नोटिस जारी किया गया है 25 दिसंबर के 25 जनवरी के ही डेट में, इसका जो है आपको भर्ती जो है कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो लोग फॉर्म भरे थे वो पेमेंट, अब जो लोग फॉर्म भरे थे उनको पेमेंट रिफंड के लिए, तो यहाँ पर देखिए पेमेंट रिफंड के लिए बताया गया है कि आपका जो ना पेमेंट रिफंडेड इन द ड्यू कोर्स, ठीक है, उनको पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा जितना भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरे थे उनका। अब किसके माध्यम से प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, पेमेंट रिफंड के लिए, हो सकता है पेमेंट रिफंड आएगा तो जिसके माध्यम से आप पेमेंट करवाए थे, जैसे नेट बैंकिंग हो गया या डेबिट कार्ड के जिसके माध्यम से आप पेमेंट करवाए उसी जिस अकाउंट से पैसा कटा था उसी अकाउंट में हो सकता है पैसा रिफंड किया जाएगा, ठीक है, नहीं तो हो सकता है अपना नया लिंक जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है पेमेंट रिफंड के लिए, जैसे इसका अपडेट आएगा तो इस चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो जब तक मेरे चैनल पर बन रहा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग को भी जानकारी हो सके।